हेलो स्टूडेंट्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का हमारा पेज नंबर नाइन एंड टेन इन दो पेज़ की एक्सप्लेनेशन रहेगी तो आपने किस तरह से पढ़ा था कि अर्थ की क्रस्ट कौन कौन सी हैं लेयर्स और फिर आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा कि उसके टाइप्स कितने होते हैं आज हम पढ़ेंगे किस तरह से इनका यूजेज़ होता है और किस तरह से रॉक्स बनती हैं रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस the हार्ड रॉक्स आर used फॉर मेकिंग रोड्स houses एंड बिल्डिंग्स तो रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हार्ड रॉक्स जो होती हैं हार्ड रॉक्स इसमें ऊपर की लाइन ये कटी हुई है तो हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो हाउसेस, बिल्डिंग्स रोड्स बनाने के लिए काम में आती हैं यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स आपने काफ़ी सारे गेम्स में जो स्टोन्स हैं उसका यूज़ करते हैं पत्थर का फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन्स पिट्ठू हॉप्स कोच स्टप्पू किटकिट फाइव स्टोन्स गिट्टी फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाई आस्किंग यूर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स नेबर्स एट्सेट्रा तो इस तरह से हम गेम्स में भी इनका यूज करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए देखिए एक आपका रेड फोर्ट है एक ताजमहल है ये रेड फोर्ट है मेड ऑफ रें रेड सेंड स्टोन से बना हुआ है और ताजमहल जो है मेड ऑफ वाइट मार्बल ये इनके यूज यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि एक टाइप की रॉक जो है वो चेंज होती है कुछ सर्टेन कंडीशन में एक साइक्लिक मैनर में साइक्लिक मैनर मीन्स कि हम घूम कर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं सर्कल में चलता है जैसे वाटर वोटरसाइकिल अगर वाटर से स्टार्ट करते हैं तो वाटर पर ही आकर हम आ जाएंगे वापस दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्राम वन टू अनादर इज नॉन एज द रोकसाइकल और इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है रॉक्स की एक से दूसरे में चेंज होने की इसको रोक साइकिल कहा जाता है यू हैव ऑलरेडी लर्नड वेन द मोल्टन मैगमा कोल्स इट सॉलिडफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक और आपने पढ़ा कि जब मोल्टन मैगमा कोल होता है ठंडा होता है और सॉलिड हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स और जो आपने पढ़ा था कि जो टूट जाते हैं जब इग्नियस रॉक्स तो उनके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिपोज़िट करती हैं उनको वाटर और एयर एक जगह से दूसरी जगह पर और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स से कहा जाता है

बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में है वो दोबारा से मेल्ट डाउन हो जाती है और मोल्टन वैगमा बन जाता है दिस मोल्टन मैगमा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इंटू इग्निस और इस तरह से ये मोल्टन मैगमा जो है वो फिर से कूल cool हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा और इग्निस रॉक्स बन जाएगी फिर इग्निस रॉकस से हम चलेंगे सैडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स चलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक से फिर मैग्मा मैग्मा से फिर इग्निस रॉक्स ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है ये देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम्पल ये डायग्राम दिखाया गया ये ये मैगमा है ये देखिए ये मैग्मा है मैग्मा से इग्निस रॉक्स इग्निस रॉक से फिर सेडिमेंट इनके छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनसे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर यहाँ पर ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स और यहाँ पर हीट और प्रेशर दोबारा से है तो ये मोल्टन मैग्मा मोल्टन मैग्मा से फिर वापस इग्निस रॉक्स रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड अब रॉक्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और ये नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक केमिकल कंपोजिशन होती है इनकी इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सम आर यूज एज फ्यूल्स कुछ फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम दे आर आल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड यूरेनियम एट्सेट्रा इन मेडिसिन इन फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा तो यहाँ पर इनका यूज किया जाता है ये था आपका पेज नंबर नाइन एंड टेन की एक्सप्लेनेशन